Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार मथुरा नामक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और शिव जी को अकेले पाकर आकर्षित करने लगी। तभी माँ पार्वती आ गई और शिव देह की भस्म मथुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गई। उन्होंने मथुरा को तुरंत मेढक बन जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने मथुरा को 12 सालों तक मेढक के रूप में कुएं में रहने का आदेश दिया। शिव के कहने पर पार्वती ने मथुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही असल स्वरूप में लौट सकती हैं। 12 वर्ष तक कुएं में कठोर तप के बाद एक दिन मायासुर पत्नी हेमा बेटी की कामना से यहाँ तप करने आए तो मथुरा ने अपने असली स्वरूप में आकर मदद मांगने लगी। वहीं तप कर रहे हेमा और मायासुर ने आवाज़ सुनी तो दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। इसके बाद उन दोनों ने मथुरा को गोद ले लिया और मंदोदरी नाम रखा। कहा जाता है कि भगवान शिव के वरदान से रावण का मंदोदरी से विवाह हुआ। मंदोदरी ने शंकर से वरदान मांगा था कि पति धरती पर सबसे विद्वान शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री बिल्लेश्वरनाथ मंदिर में शिव आराधना की थी। यही रावण से मंदोदरी की मुलाकात हुई। रावण को पसंद आने पर उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी। यूँ तो रावण की कई रानियाँ थीं, लेकिन लंका की रानी मंदोदरी ही मानी गईं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की मृत्यु सिर्फ एक खास बाण से ही हो सकती थी। पत्नी होने के नाते मंदोदरी को इस बाण की जानकारी थी, मगर हनुमान जी ने मंदोदरी से बाण का पता लगा कर चुरा लिया, जिसके बाद अंत में विभीषण के कहने पर रावण की नाभि में बाण मारकर रावण वध में सफलता मिली। 5 कन्याओं में शामिल मंदोदरी चिरकुमारी नाम से जानी जाती हैं। मंदोदरी ने ही पति रावण की मनोरंजन के लिए शतरंज खेल शुरू किया। मंदोदरी के 6 पुत्र अक्षय कुमार, मेघनाग, अतिकाय, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकाम वीर हुए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.